मेरे पीछे जो आप खूबसूरत ये हरियाली देख रहे हैं, दरअसल ये वार्ड नंबर 72 है। और वार्ड नंबर 72 में रख नागमनी के पास का इलाका है। और ये पीछे जो सड़क है ये आगे मढ़ की तरफ जा रही है और एक तरफ ये तालाब तिल्लो से लिंक करती है। वार्ड 72 सारा यही इलाका है, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं वो इसमें आते हैं, बहुत सारे गांव इसमें आते हैं। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब से इलाका जुड़ा है, क्या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, क्या कुछ इलाके में काम हुए हैं, फंड्स की किस तरह से यूटिलाइजेशन हुई है और लोग अपने इस वार्ड को लेकर क्या कहते हैं, वो आज हम जानेंगे और देखेंगे कि जम्मू शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है तो इस तरह के ग्रामीण इलाके जब कॉरपोरेशन के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर किस तरह से बदलाव आता है या फिर आगे के लिए रणनीति होती है। लोगों से ही बात करेंगे और अगर कोई ग्रीवांस है उनकी इलाके में लेकर, सड़कों के लेकर, नालियों को लेकर, लाइट्स को लेकर या पीने के पानी को लेकर, वो उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कॉरपोरेटर से ही बात करके लोगों के ग्रीवांसेस उन तक लेके जाएं। लेकिन सबसे पहले वार्ड देखते हैं और शुरुआत हम करेंगे इस हरियाली से। वार्ड नंबर 72 का रख नागमनी ये एरिया है, बेसिकली पूरा रूरल एरिया है लेकिन अब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है ये। और सामने अगर वो पोर्शन देखेंगे आप, वो मेन रोड है जो कि आगे मढ़ की तरफ जाती है और वहाँ से ये अंदर आता है पोर्शन। और काफ़ी नए घर भी बन रहे हैं यहाँ पर और कई सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी हैं। हालांकि जो पुराने जो समय के जो लोग रहते हैं गांव में, वो अभी भी परेशानी कैसी फेस कर रहे हैं, कई जगह टाइल वर्क हो गया हुआ है, कई जगह भी नहीं हुआ है और ड्रेन्स भी नहीं बनी हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी इन इलाकों को मिलता रहा है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आने से लोगों को जो उम्मीदें थी उसका भी फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं, खासतौर पर सड़कों के नज़रिए से। यहाँ पर भी ये पूरी सड़क है, कई जगह से डैमेज है और ड्रेन्स जो हैं टूटी हुई हैं। मैडम जी कहना है थोड़ा? मेरा नाम पूरा देवी। म्यूनसिपैलिटी दे बिच आने दा कोई फायदा ले तक तुसी? फायदा बड़ा, देख साफ सफाई कीतीयां उन्होंने, रोड शाल बना दे ने, रोज आंदे साफ सफाई करी चली जांदे ने। नहीं तुसा कर रोड शाल बना रहे तो तुहाडी तो लुक अगे सारी खराब करिए देना, इधर सर्वे करिए देना। लुक कदों आए सर्वे करना? या थोड़े दिन पहला करिए सर्वे, थोड़े दिन पहले सर्वे के मतलब आखरे के पाने वाले ने? हां पाने वाले ने लोग, बाकी साफ सफाई कर्मी कर्मचारी रोज आंदे ने? रोज रोज डेली। ते कूड़ा लगाने वास्ते जेड़ा ऑटो वगैरह आंदा है? ऑटो आंदा है इधर बड़िया सफाई ਲਾਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਟੋਰਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਟਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲਾਕਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀ? ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। चलिए ये अच्छी बात है, अगर इस एरिया के लोग कह रहे हैं कि इनकी सुनवाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सड़कों के अगर हम उसकी बात करें, रुख की बात करें, तो 15 सितंबर के बाद बताया जा रहा है कि मौसम थोड़ा बदलेगा, फिर उसके बाद ब्लैक टॉपिंग होना शुरू होगी। बहुत इलाका है अगर हम अलग अलग वार्ड्स की बात करें और ये वार्ड जो है बहुत दूर तक गया हुआ है। ये लोग तो अड़ेले पास इधर नाली बनी रही है? नहीं है, कुछ नहीं बनाई रही अपनी नाली, इधर नहीं बनी रही, कुछ नहीं बनाई रही नाली। तो फिर मुश्किल करें था, पानी कुत्थू निकलता है? बिच्चू गली निकलता, बिच्चू में निकलता है। साफ सफाई इतने कोई आता झाड़ू मारन? झाड़ू मारते आते हैं आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जड़ा जड़ा उपर उपर किता चली है। बाकी पीने के पानी का क्या सूरत हाल ना आंदा है? घरें लगे रहे हैंड पंप? ਤੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ? ਅਸ ਉਹ ਥੋ ਲੈਣੇ ਆ ਪੀਣੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਪੀਐਚਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ? ਗਏ ਹਾਂ ਤੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੰਬੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਆ ये जो इलाका देख लीजिए, ये अभी सड़कें हैं कुछ पुराने वक्त की बनी हुई हैं, अभी नहीं बनी हैं और लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ड्रेन्स की बात जहाँ तक रही, इस तरफ ड्रेन्स नहीं है, हालांकि एक तरफ है और यहीं से ही सबका जो पानी है वो दूसरी तरफ जाता है। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी मुझे बताइए, जब से आपका इलाका म्यूनसिपैलिटी में आया है, क्या बदलाव इस आपके इलाके में, इस गाँव में या इस पूरे इलाके में आए हैं? बदलाव कोई मैक्सिमम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ियाँ लाइटें वगैरह जो इन्होंने लगाई हैं, चलो जलती भी हैं कुछ, नहीं भी वो चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या है कि जहाँ पानी की किल्लत, पानी सभी लोगों ने अपने घरों में पानी लगाया, हैंडपम्प लगाए हैं, लेकिन उसमें जो पानी निकलता है वो
पीने लायक नहीं है, मतलब वो साफ पानी नहीं आता। नहीं है, साफ पानी नहीं है। हमारे गांव के पास ही एक गांव दुर्गोचक है, वहां पे ट्यूबवेल लगा है। जब भी मार्च महीना आता वो लोग हमारे गांव में आते हैं, आपको पानी देंगे हम लोग पीने के लिए, लेकिन पानी की किसी ने भी नहीं दी। हालांकि पाइपें वगैरह सब लगी हुई हैं, लेकिन पानी कभी नहीं आया। इस प्रॉब्लम को लेकर कभी कॉर्पोरेटर से कभी बात हुई कि हमारा पानी नहीं आ रहा, तो हम पानी कैसे पिएं या साफ पानी कैसे पिएं? तो कॉर्पोरेटर साहब से बात तो नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं। पानी के लिए तो उसको बोला नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने घरों में हैंडपम्प लगाए हैं। पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन कमी यही है कि पानी साफ नहीं है। वो साफ सफाई की अगर बात करें, आपके इलाके में आते हैं सफाई कर्मी यहाँ पर? हाँ, सफाई कर्मी आता है, एक सफाई करने के लिए आता है, एक उसके साथ खड़ा रहता है, उसका सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। अच्छा। हाँ, वो एक आएगा, वो थोड़ा सा करेगा, घंटा आधा घंटा लगाएगा कहीं, तो बस चला जाएगा वापस। इधर आए नहीं आए कोई बात नहीं। हाँ, गाड़ी आती है इनकी कूड़ा उठाने वाली, उनसे वो आती है, जो लोग घरों में कुछ कूड़ा वगैरह होता है। आमतौर पर हमारा कूड़ा तो हम अपने कोशिश करते हैं कि खेतों में ले जाते हैं, क्योंकि हमने डैम हमारी ज़मीन हम उसमें डालते हैं वो खाद की शक्ल। तो अगर गोबर वगैरह है जहाँ कोई घर का रसोई का कचरा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको खेत में ले जाते हैं। हाँ, तो कुछ लोग में एक कोई ऐसा नहीं हमारे गाँव में कि जिसकी ज़मीन नहीं है, सबकी जमीन अपनी, सबकी जमीन अपनी अपनी है। लोग कूड़ा करकट जो है वो अपने खेत में। हम ये भी देख रहे हैं कि आपके इस इलाके का विस्तार हो रहा है, बड़ी सारी नई कॉलोनियां बन रही हैं, नए नए जगह, क्योंकि शहर बड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी जा रही है लोग कॉलोनी? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ। नहीं, हमारे गाँव थोड़ा रोड से दूर है, अंदर जा गया, इसलिए कोई नहीं आता यहाँ। जमीन अभी तक तो बिक्री नहीं हुई है। पहले तो ये आंदा है पंचायत च, 18 च ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन च आया, तो तुहाड़े मुताबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन च आने से तुहाड़े इलाके की बेहतरी हुई है या फिर पंचायत च गै ठीक हा पूरा माहौल, ज़्यादा काम हुंदा हा, हुण नहीं होवा रहे या पहले हुंदे हे, के लगदा तुसें? पहले भी ठीक ठाक हुंदे हे काम अपने, ये है ना, ये पंचायत, ये म्युनिसिपल कमेटी जाने कन्नै ये है भाई, जरा बड़ी भारी है, नाली होनी चाहिए है। नालियां नहीं दिखियां ऐसे थोड़े नहीं है, पानी छिड़के खज्जल होता, छिड़के घा जमी जाता, उऐ इंदे आली गल लंबड़दार होंदी भाई। एक कम दा सफाई कढ़दे इक उहदे पर बस, ऐ वी अद्धा घंटा छप्पियै बेही रहिंदे नो। ये प्रॉब्लम है उन्हें नाली दी और घा जिहड़ा सफाई दा, ये प्रॉब्लम बनी। वार्ड नंबर 72 रख नागवनी, ये एक लास्ट सड़क है, इसके बाद ये वार्ड ख़त्म हो जाता है। दूर तक आप देखोगे ये सड़क आपको सीधी जाती हुई दिखेगी, और यहाँ पर कुछ नए पोल भी लग रहे हैं, और इस एरिया का जो है वो एक्सटेंशन भी हो रहा है, मतलब कि इसमें कॉलोनीज जुड़ रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर लंबे वक्त से सड़कों की, नालियों की समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हालांकि ये एक नाली देखेंगे जिसमें नहर का पानी आ रहा है, थोड़ी चौड़ी भी है लेकिन प्रॉपरली साफ नहीं है, और ये गली जो बिल्कुल साथ में है ये भी नहीं बनी हुई है। काफ़ी देर से यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने कई बार कंप्लेन भी की है। क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम प्रीतम शर्मा जी। शर्मा साहब, कदों दी गली थोड़ी ये खराब है? ये कम से कम 47 दे बाद ला लो, इत्थे लोकल लोग रहने आए हैं, बेसिकली कभी इसकी डेवलपमेंट हुई नहीं है। पहले पहले ये एरिया पौंदा था रूरल डेवलपमेंट में, अभी आ गया जी म्युनिसिपैलिटी में। रूरल डेवलपमेंट भी गए, म्युनिसिपैलिटी वालों पास भी गए, मगर कोई सुनता नहीं है। मतलब आपको रहते हुए 47 के बाद से ही यहीं पे रह रहे हो, तो कभी यहाँ पर वो कोई पहले भी नहीं? पहले यही एक मकान था हमारे सामने, तो उस समय थी छोटी गली थी, हम कुछ मतलब कुछ जरूरत थी। अब तो हम चार ब्रदर हैं, हमारे मकान आगे हो गए ना गलियाँ, जब गली आगे हो गई तो मतलब कई बार बोला, कार्पेटर को बोला, पीछे हम जो हमारा पहले सरपंच था उसको भी बोला, हर किसी को बोलते रहे, मगर सुनता इधर कोई नहीं। चलो ये तो चलो यहाँ चार घर हैं तो, लेकिन वो है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल ये मेन सड़क है ये भी तो खराब है पूरी, टोटली खराब है जी, पूरे खड्डे खड्डे हैं, जहाँ आप देखोगे वहीं खड्डे हैं, पानी है, टोटली खराब है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेटर आते हैं देखने के लिए, विजिट करने के लिए? विजिट करने आते हैं, कभी कभी आते हैं, मगर ऐसे नहीं है उनको, मतलब कई बार हमने बोला है, फॉलो किया, मगर वो सुनते ही नहीं है, वो कहते बेसिकली उनका उनका अपने सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, वो 20 महीने के बाद एक बार आते हैं, जो भी झाड़ी शाड़ी अब कितनी बड़ी बड़ी झाड़ी होगी ना, ये कोई महीने का 2 महीने के बाद काटेंगे जी। और जो गार्बेज कलेक्शन कूड़ा लेने के लिए ऑटो वगैरह वो आता है? वो कुछ नहीं आता इधर, वो भी नहीं आता, वो नहीं आता। तो यहाँ तो फिर वो आपकी स्लिप भी नहीं कटती होगी? जो कोई आता नहीं है इधर जी।
ओवरऑल अभी सिचुएशन मतलब आप अभी देख ही रहे हैं कि काम हो अभी तक कुछ हुआ नहीं कभी। इधर कुछ नहीं जी, जब से ये मतलब वार्ड नंबर 72 में तब से इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है जी, एक तो चार रहने की डेवलपमेंट नहीं। मतलब अगर आपके मुताबिक ये म्यूनसिपलिटी मैंने से जब हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, ये जगह को छोड़ दिया गया है। नहीं, हमें तो म्यूनसिपलिटी को बेनिफिट नहीं, इसलिए अच्छे थे हम रूरल डेवलपमेंट में अच्छे थे। हम वीडियो के पास जाते मतलब ग्राम से किसी को कंप्लेन करते ना, जब से म्यूनसिपलिटी बनी तब से कोई सुनता नहीं इधर बात है जी। कोई म्यूनसिपलिटी कोई इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई मतलब कोई सफाई कर्मी नहीं आता, कोई कार्बेटर नहीं तो कार्बेट करता है जी। लाइट का क्या, लाइट वगैरह ठीक है? पोल्स पे खंभों पे लगी हुई है। हाँ देखो लाइट ठीक है, खंभों के लिए बोला है कि हमारे चार घर, मेरा एक लाइट हमें आती है इस साइड से, एक खंभा है जो सारी आगे मेरा मकान है, सारी तारें देखो उस मकान के ऊपर से आई हैं। अभी जो खंभे लगा रहे थे उस कॉलोनी में लग गए, मगर हमारी कॉलोनी में लगे, कॉलोनी लोगों को पैसे वाले की होती है ना, उनको मतलब फटोफट डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि दो खंभे इस घर में लगेंगे मतलब सीधी तारें हमारी इधर से आ जाएंगी, मगर सुनता नहीं कोई। ये समस्या है। और आपको दूर जो यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है आपका, और ये सारा ऊपर का एरिया है रूपनगर, अब ऊपर का सारा, और ये पूरा ये सारा जो है रूरल एरिया में है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ घर भी बन रहे हैं, और जो कह सकते हैं एक्सटेंशन हो रहा है, एरिया का विकास हो रहा है, लेकिन सड़कों और नालियों के मुताबिक यहाँ पर अभी अभी बहुत काम होना बाकी है। और जैसे ये बता रहे थे 47 के बाद से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके ही वाली सड़क बने, लेकिन अभी तक अभी बनी नहीं है। अब शायद आगे काम हो जाए, लेकिन उम्मीद कॉरपोरेशन से है कि बाकी जगह वो काम करे तो हमारे इलाके में भी कर दे। हरे भरे खेतों से भरा हुआ वार्ड नंबर 72 को हमने देखा अंदर जाकर, कई सारे गांव इसमें आते हैं और जिससे पूरा ये वार्ड 72 बनता है। हालांकि कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो कि बहुत लंबे वक्त से ख़राब हैं, वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, कई जगह एस्टिमेट हो गए हैं वहाँ पर आने वाले समय में ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे हमें यहाँ पर किसान भी मिले जो ये कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर उनकी लैंड है तो रूरल वो इलाका ये सारा उनका आता है, तो ये रूरल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ रहता तो ज़्यादा बेहतर था, पंचायत उनकी रहती तो ज़्यादा बेहतर था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आने से उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। बहुत सारे अंदर ऐसे गाँव भी हैं जो कि अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ प्रॉपर काम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से अगर हम भारत पाकिस्तान सीमा की बात करें वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, और ये रोड आगे मढ़ तक जाती है। हालांकि जो मेन सड़क है वो काफ़ी बेहतर दिखती है, लेकिन अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी काम होना बाकी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं वहां पर लोग वो काम हो, सड़कें बने वहां पर। कॉरपोरेटर साहब से हमने संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन व्यस्त थे, फ़ोन का मिला नहीं, लगा था स्विच ऑफ आ रहा था। यकीनन उनसे बात होती तो लोगों की जो समस्याएं थी उनसे हम जिक्र करते और पूछते कि क्या वजह है, कहाँ किस जगह क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन ओवरऑल अगर हम वार्ड की बात करें, ज़्यादा यहाँ पर खेत खलियान ही हैं, गांव के एरियाज ही हैं, और अभी अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन को, लेकिन बहुत बड़ा एरिया भी ऐसा है जहाँ पर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, काम होना बाकी है, लेकिन बहुत तेज़ी से इस इलाके में नई कॉलोनियाँ भी बन रही हैं, लोग नए घर भी बना रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर अभी से ही सड़कों और नालियों को लेकर यहाँ पर काम होना शुरू होगा तो जो नए लोग आ रहे हैं या फिर जो पहले से लोग रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ब्रजेंद्र शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।